जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गुड जॉब्स में। आपके लिए छोटा सा नई नौकरी का वीडियो लाया हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके अपने सभी दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल GD 2022। ब्रीफ इंफॉर्मेशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ पब्लिश नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल GD इन CAPF, SSF एंड आसाम राइफल्स। Those candidates who are interested in the vacancy details and completed all the eligibility criteria can read the notification and apply online. Staff Selection Commission के द्वारा कांस्टेबल GD के लिए वैकेंसी आया है CAPF, SSF एंड आसाम राइफल्स में। जो भी विद्यार्थी इसमें इंटरेस्टेड है और अपने आप को योग पाता है और सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़े उसके बाद इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट दिया 24,369 पोस्ट है, 24,369 पोस्ट है। ये इसमें दो मेल फीमेल के हिसाब से बांटा गया, टोटल पोस्ट भी बताया गया और फोर्स के अलग अलग किस ब्रांच में है वो भी बताया गया। पहला है BSF, इसमें टोटल पोस्ट है 10,497। दूसरा है CISF, 100 पोस्ट है टोटल। तीसरा है CRPF, 8,911 पोस्ट है। चौथा है SSB, 1,284। पाँचवा है ITBP, 1,613। छठवा है AR, 1,697। सातवां है SSF, 103 पोस्ट। ये भाग दो, इसमें NCB के लिए 164 पोस्ट टोटल। क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा है, कैंडिडेट शुड पॉजिटिव मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड। इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से। सैलरी देख लेते, पे लेवल 1 रहेगा, ₹18,000 से ₹56,900 रहेगा फॉर दी पोस्ट ऑफ सिपाही इन NCB एंड पे लेवल 3 21,700 से 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट रहेगा। एज लिमिट है 1/1/2023 के अनुसार गिना जाएगा। मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 23 साल। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/2000 एंड लेटर देन 1/1/2005 इन नॉर्मल कोर्स। हाउएवर द आफ्टर द एज रिडक्शन ऑफ 3 ईयर्स इन अपर एज, द कैंडिडेट शुड हैव नॉट बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/1997। जिनका जन्म 1/2/1/2000 के पहले नहीं होना चाहिए, जनरल कैटेगरी बोला जिसमें OBC और AWS कैटेगरी आ जाएंगे मेल में, और 1/5/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जिसमें 3 साल का रहेगा अपर एज में, उनका जन्म 2/1/1997 के पहले नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा है अप्लीकेबल होता है। अप्लीकेशन फी है फॉर अदर्स के लिए यानी जनरल कैटेगरी OBC वगैरह के लिए ₹100 लगेंगे, ₹100। फॉर वुमेन SC ST एक्स सर्विस मैन के लिए नील रहेगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप इसका, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS और कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से द्वारा पेमेंट कर सकते हैं आप। सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स है, स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन रहेगा 27/10/2022 से, इसका फॉर्म चालू हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन रहेगा 30/11/2022 अप टू 23 आवर्स यानी रात के 11 बजे तक रहेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन ऑफलाइन चालान ऑफ 30/11/2022 तक निकाल सकते हैं आप।
रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट रहेगा 1/12/2022 अप टू रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान, चालान के माध्यम से पेमेंट करने जाते हैं। वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक रहेगा जो भी, 1/12/2022 तक आप पेमेंट कर सकते। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा, जिसका डेट आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। सिलेबस देख लेते हैं। इसमें सिलेबस है ए जनरल इंटेलिजेंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25, मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 50 का। टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट्स, 80 मिनट्स फॉर दी कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब्स एज पर दी पैरा 8.1 एंड जनरल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चन, 50 मार्क मैक्सिमम मार्क रहेगा। सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल रहेगा, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क 50। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50। नेगेटिव मार्किंग 0.50 का रहेगा, 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इम्पोर्टेंट लिंक्स है, ऑफिशियल वेबसाइट है इसका https://ssc.nic.in है। इसका ऑनलाइन लिंक अप्लाई करने का साइट है https://ssc.nic.in/portal/apply है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।